प्रायोगिक पाठ्यपुस्तक में पहला मुख्य प्रयोग प्रयोग संख्या एक चालक तार में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में ग्राफ खींचकर चालक तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करने का है। इस प्रयोग को करने के लिए हमें यह परिपथ सहायक होगा जिसमें ये बैटरी अथवा सेलों से बनी हुई बैटरी काम में ली जा सकती है। यह ओम के नियम का सत्यापन जैसा ही परिपथ है। बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में एक कुंजी, साथ में धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक में तीन सिरे होते हैं, उनमें दो एक नीचे का और एक ऊपर का सिरा कनेक्ट किया जाता है, अतः यह सिरा नीचे वाला छोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में अमीटर लगाया गया है। चालक तार जिसमें प्रतिरोध है उसे श्रेणी क्रम में लगाया गया है और उसे धारा नियंत्रक के साथ जोड़ दिया गया है। प्रतिरोध अथवा चालक तार के सिरों पर वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस परिपथ को बनाना काफी आसान है, हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था देखेंगे। इसमें हमने एसी अल्टरनेटिंग करंट की सहायता से बैटरी इल्यूमिनेटर को लेकर और उसे दिष्ट धारा देने वाले एलिमिनेटर के साथ को काम में लेकर इसके दो सिरे हैं। यहां से पॉजिटिव डीसी धारा मिलेगी, यहां से नेगेटिव डीसी धारा मिलेगी। एक कनेक्टिंग वायर की या संयोजन तार की सहायता से हमने अमीटर को जोड़ा है। अमीटर का माइनस वाला सिरा वोल्टमीटर के प्लस सिरे से, ये जो आप देख रहे हैं यह चालक तार जिसे हम प्रतिरोध तार के रूप में बोलते हैं यह लगा हुआ है और यह वोल्टमीटर के समांतर क्रम में लगा हुआ है। वोल्टमीटर का माइनस वाला सिरा धारा नियंत्रक के नीचे वाले सिरे से कनेक्टेड है और धारा नियंत्रक का ऊपर वाला सिरा यहां पर बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है। इसमें स्विच या कुंजी नहीं दिख रही है क्योंकि इस एलिमिनेटर में स्वयं अपने अंदर बनी हुई कुंजी लगी हुई है। हम इस प्रयोग को करने से पहले अमीटर और वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालेंगे तभी यह प्रयोग हो पाएगा। अमीटर और वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके पैमाना किस प्रकार का बना हुआ है। 100 मिली एम्पियर में 10 खाने हैं यहां पर, तो 100 में 10 का भाग देंगे तो एक खाने का मान 10 मिली एम्पियर आएगा, अर्थात इसका अल्पतमांक 10 मिली एम्पियर है। उसी प्रकार से वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालने के लिए 1 वोल्ट में 20 खाने हैं, अतः 1 वोल्ट में 20 का भाग देंगे तो इसका अल्पतमांक 0.05 वोल्ट आएगा। इस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखकर इस गणना को कर सकते हैं। इल्यूमिनेटर को ऑन करेंगे और धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा को नियंत्रित करके अलग अलग 5 धाराएं अलग अलग लेकर उन पर विभवांतर चालक तार के सिरों पर ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहला वाला, अभी जो ये पाठ्यांक आ रहा है इसमें विद्युत धारा 10 खाने आ रही है। सही, एक मिनट। हाँ, सबसे पहला पाठ्यांक हम लेना चाह रहे हैं, स्विच ऑन किया और धारा नियंत्रक को कहीं एडजस्ट किया ताकि इसमें विद्युत धारा इतनी बहे कि अमीटर और वोल्टमीटर में संकेतक निर्धारित सीमा को बाहर करके न जाए। अभी इसमें कुल 11 खाने संकेतक बता रहा है अमीटर में, जो कि मिली अमीटर है। वोल्टमीटर में अभी खानों की संख्या 5 आ रही है। इसकी गणना करने के लिए, इसको पॉइंट आउट नोट आउट करने के लिए हम वहां चलेंगे, गुणा करेंगे तो यह पाठ्यांक 0.25 वोल्ट आएगा। इसी प्रकार से अमीटर के 11 खाने हैं उनको हम उसके अल्पतमांक 10 मिली एम्पियर से गुणा करेंगे तो यह मान 110 मिली एम्पियर आएगा। यहां इस अवस्था में चालक तार का प्रतिरोध निकालने के लिए हम ओम के नियम के सूत्र की सहायता से वोल्टता में धारा का भाग देंगे, अर्थात 110 में अर्थात
0.25 में 110 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करके भाग देंगे। यहां देखिए आप R will be equal to 0.25 divided by 110 into 10 raised to power minus 3। अभी अंश वोल्ट में है और धारा एम्पियर में है, इसको हम हल करेंगे। मान में धारा का भाग दे रहे हैं, यहां मिली एम्पियर होने से उसे एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का गुणा किया गया है और यह गणना हल होने पर उत्तर 2.27 ओम आता है। इसी प्रकार हम पर लेकर 5 बार धारा का मान और 5 ही बार वोल्टता का मान ज्ञात करेंगे, जिससे चालक तार का प्रतिरोध हम 5 बार ज्ञात करके और उसका औसत 2.7 ओम। और इस प्रकार यहां जब 5 पाठ्यांक आ जाएंगे उन 5ों को जोड़कर 5 का भाग देंगे तो जो भी मान आएगा वह तार का औसत मान हो जाएगा। इस प्रकार यहां से 5 मान हमारे पास आएंगे, 5ों मानों को जोड़कर 5 का भाग देंगे वह तार का औसत प्रतिरोध आ जाएगा और चालक तार की लंबाई को मापकर अगर चालक तार की लंबाई वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है, जिसे हम 0.64 मीटर लिख सकते हैं, तो जो भी मान यहां से आएगा उसमें हम 0.64 का भाग देकर इस उत्तर को ओम प्रति मीटर में ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह पाठ्य पुस्तक का पहला प्रयोग पूर्ण होता है। मीटर सेतु से